बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम लोग बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने अपना अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण इसके पार्ट 2 के बारे में हमने चर्चा कर ली है। पार्ट 2 में हमने समांतर माध्य निकालना सीख लिया है। कब के केस में जब आपका क्वेश्चन टेबल के फॉर्म में दिया जाता है तब के कंडीशन में हमने समांतर माध्य अच्छे से निकालना सीख लिया है। बच्चों आज के इस क्लास में मैं आपको माध्यिका निकालने से संबंधित दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाला हूं। तो बिल्कुल बच्चों आ जाइए मेरे साथ जुड़ जाइए और आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हमारा जो मिशन चल रहा था उसका नाम क्या, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं टकेश्वर साहू आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और हमारा जो अध्याय चल रहा था इसका नाम क्या है, अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में, भाग 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाग 3 में मैं आपको माध्यिका से संबंधित दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल 4 नंबर के लिए पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आने से पहले मैं माध्यिका निकालने का आपको एक सूत्र लिखवाने वाला हूं। अगर वो सूत्र याद हो चुके तो बिल्कुल आपके माध्यिका से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आ जाओ। तो बिल्कुल आपके पास पेन और कॉपी होगी, ये मैं मानकर चलने वाला हूं। एक एक चीज को यहां पर लिखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। देखो तो देखो बच्चों माध्यिका निकालने का मैं यहां पर एक फॉर्मूला आप लोगों को बताने वाला हूं कि सर हम माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। तो माध्यिका यानी कि बच्चों हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, यानी कि मैंने यहां पर चलो लिख दिया एमडी। क्या बोल दिया, इसको बोल दिया मीडियन का एमडी हो गया। तो सर माध्यिका हम कैसे निकालते हैं, चलो इसका फॉर्मूला आप लोग यहां पर सीख जाओ। आ जाओ तो सर इसको हम निकालते हैं एल प्लस, फिर आता है ब्रैकेट में n by 2 माइनस सी, फिर इसके नीचे में आता है f, फिर ब्रैकेट को क्लोज किए और यहां पर हम लगाते हैं गुणा का चिन्ह और यहां पर आ जाएगा सर ये h। अब सर यहां पर l क्या है, n by 2 क्या है, c क्या है, f क्या है और h क्या है, एकदम डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों को एकदम डीपली पढ़ना है तो आपको हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहां पर हम अपने एग्जाम को तैयारी करने के लिए आए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले, तो हर एक चीजों को मैं एकदम डीपली नहीं समझाने वाला हूं। अब ये एल क्या है, सी क्या है, एन बाई टू क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, इसको हम क्वेश्चन पर समझ लेंगे डायरेक्टली। यहां पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। उससे पहले ये फॉर्मूला बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, सर माध्यिका हम निकालते हैं मीडियन एम डी बराबर एल प्लस ब्रेकेट में एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। बिल्कुल ये फॉर्मूला आपके दिमाग में याद हो जाना चाहिए माध्यिका निकालने से संबंधित। आ जाओ चलिए, अब ये रहा आपका पहला नंबर का क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ चुका। पहले नंबर के क्वेश्चन को मैं एकदम डीप बताऊंगा, सेकंड नंबर में जाऊंगा ना तो मैं उसको स्पीड कर दूंगा। बिल्कुल आ जाओ, देखो पूछा गया था, ये पूछा गया वाला क्वेश्चन है 2020 सेट एबीसी। 3 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था, तीनों सेट में 4 नंबर के लिए यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलो सर एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते कि क्या दिया और क्या निकालना। बिल्कुल पढ़ लो, आ जाओ, अच्छी बात है तो पढ़ना। आ जाओ तो किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दिए गए। ये आप ही के स्कूल का प्राप्तांक है बच्चों, आप ही के स्कूल का कक्षा 10वीं के गणित विषय का प्राप्तांक हमें दिया गया। बिल्कुल देख लो, प्राप्तांकों की माध्यिका हमें ज्ञात कीजिए, प्राप्तांक जो मिले हुए हैं उसकी माध्यिका को हमें ज्ञात करना। देखो अब यहां पर आपको एक टेबल दिख रहा होगा जहां पर 2 कॉलम बने हुए हैं। यहां पर देखो 2 पंक्ति बने हुए हैं, ये पहली पंक्ति है और यहां पर दूसरी पंक्ति, 2 पंक्ति बने हुए हैं। ठीक है, चलो तो पहले नंबर में बना हुआ प्राप्तांक और दूसरे नंबर में बना हुआ सर विद्यार्थियों की संख्या। यहां पर मैं आपको टेबल को बताता हूं कि क्या मतलब है इसका। देखो तो 0 से लेकर 10 अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं, यहां पर 1 बच्चे, कितने 1 बच्चे हैं सर। 10 से लेकर 20 अंक प्राप्त करने वाले ना हमारे पास 12 बच्चे हैं सर। 20 से लेकर 30 बच्चे जो है वो 24 नंबर प्राप्त किया है और 30 से लेकर 40 अंक प्राप्त करने वाले हमारे पास सर 32 बच्चे। बिल्कुल हमने यहां तक को समझ लिया। फिर सर 40 से लेकर 50 नंबर प्राप्त करने वाले ना हमारे पास 10 बच्चे हैं और अंतिम में सर 50 से लेकर 60 अंक प्राप्त करने वाले हमारे पास 5 बच्चे हैं। बिल्कुल हमें निकालना इसका माध्यिका। चलो माध्यिका निकालना मैं आपको सिखाता हूं। माध्यिका निकालना मैंने आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर भी बताया हुआ था, जहां पर आपको जो डेटा है वो एक ही लाइन में दिया जाते थे, तो वहां पर मैं आपको 2 क्वेश्चन कराया हुआ था। एक बार जब आंकड़ों की संख्या में सम संख्या दी जाती थी और दूसरे बार में जब आंकड़ों की संख्या विषम संख्या दी जाती थी, तो 2 के लिए हमने निकालना सीख लिया। आज की इस क्लास में जो हम माध्यिका निकालना सीख रहे हैं वो 4 नंबर के लिए होंगे और ये टेबल के फॉर्म में दिया गया। बिल्कुल अब सर इसका हम आंसर कैसे दें कि हमें 4 में से 4 अंक मिल जाए। आ जाओ अब इसको
सीखते हैं। तो यहां पर मैं एक नया पेज एड करता हूं, अब इस स्लाइड में आपको मैं सॉल्व करके इसको बताता हूं। बिल्कुल देखो, अपने कॉपी के पेज में साइड में लिखो हल। अब क्या करेंगे, यहां पर हम बनाएंगे सबसे पहले टेबल। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे, सारणी बनाने जा रहे हैं। तो सर सारणी अब कैसे बनाएंगे? तो यहां पर सबसे पहले आप बना लो बॉक्स। यहां पर मैंने बड़ा सा एक बनाया बॉक्स, बिल्कुल सर हमने बॉक्स अच्छे से खींच दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं तीन कॉलम आपको बनाकर दिखाने वाला हूं। समांतर माध्यम में हमने चार कॉलम बनाए थे, यहां पर हमें तीन कॉलम बनाने की जरूरत है, ठीक है। यहां पर यह हो जाएगा हमारा पहला कॉलम, ये हमारा पहला कॉलम हो चुका। दो कॉलम और बनाना है, तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। सर हमने यहां पर तीन कॉलम बना लिया, कितने? तीन कॉलम अच्छे से बना लिया, बिल्कुल तीन कॉलम सर हमने यहां से अच्छे से खींच लिया। थोड़ा सा लाइन को सीधा करेंगे, आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलो सर तीन कॉलम तो बना लिया, अब क्या करेंगे? यहां पर ऊपर की ओर हम एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन ऊपर की ओर खींच दो। सर हमने ऊपर की ओर भी एक लाइन अच्छे से खींच दिया, एकदम सीधी लाइन खींच दी, ठीक है। सीधा नहीं तो थोड़ा सा सीधा कर देता हूं मैं इसको। अच्छा ये हो चुका सीधा, चलो आ जाओ। फिर नीचे की ओर भी हम एक लाइन खींचेंगे, नीचे की ओर भी सर हमने एक लाइन खींच दी। आपका टेबल हो चुका है कंप्लीट। अब इस टेबल में हम भरेंगे क्या? मुद्दा ये सर कि इस टेबल में हम लिखेंगे क्या? टेबल तो हमारा बन चुका, लेकिन इस टेबल में हम लिखेंगे क्या, ठीक है। चलो अब इसको सीखते हैं, आ जाओ। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है, इतना इजी है कि पूछो मत। कितना इजी, बच्चों वाला खेल, बच्चों वाला खेल, आ जाओ। तो सर पहले वाले कॉलम में हम क्या भरेंगे? तो पहले वाली पंक्ति को देखो, यहां पर प्रश्न में क्या दिया था? प्राप्तांक को दिया था। क्या दिया था? प्राप्तांक। तो पहले वाले कॉलम में भरो प्राप्तांक को। किसको भरोगे? प्राप्तांक को चिपका दो। सर प्राप्तांक को हमने यहां पर चिपका दिया, ठीक है, चिपका दो, ठीक है। सर दूसरे वाले कॉलम में क्या भरेंगे? तो दूसरे वाले कॉलम में दूसरी वाली पंक्ति को भर दो, जो कि दिया गया विद्यार्थियों की संख्या। इसी को हम बारंबारता भी बोलते हैं, कभी कभी ये बारंबारता करके भी लिखा होगा, विद्यार्थियों की संख्या को हम बारंबारता। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि शून्य से लेकर दस अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं? एक बच्चे है। फिर दस से लेकर बीस अंक प्राप्त करने वाले बारह बच्चे है। तो नीचे वाले जो पंक्ति है उसको बारंबारता कहा जाता है। बिल्कुल सर इसको भी समझ लिया, ठीक है। बारंबारता मतलब कि कितने बार आया है, कितने बार आया है, ठीक है। तो शून्य से लेकर दस अंक प्राप्त करने वाले एक बच्चा है, इस प्रकार से हम इसको समझ लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सर हम यहां पर बात कर रहे थे कि दूसरे वाले कॉलम में क्या भरेंगे? तो दूसरे वाले पंक्ति को भरेंगे, जो कि दिए गए विद्यार्थियों की संख्या। बिल्कुल चिपका यहां पर। सर यहां पर यह हो जाएगा कि विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की सर संख्या को हमने यहां पर चिपका दिया बड़े अच्छे से। सर तीसरे वाले कॉलम में क्या भरेंगे? तो तीसरे वाले कॉलम का हम काम बाद में करेंगे, पहले इन दोनों का काम हम पहले कर लेते हैं। सर प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या में क्वेश्चन में दिया गया, उसी को छापना है क्या? बिल्कुल छापना है। देखो प्राप्तांक तो शून्य से लेकर दस, तो शून्य से लेकर दस अंक प्राप्त करने वाले आपके पास कितने विद्यार्थी है? एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट का शून्य से लेकर दस अंक तक आया, बिल्कुल। फिर दूसरा नंबर, फिर सर 10 से लेकर 20 अंक प्राप्त करने वाले हमारे पास 12 बच्चे हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा 10 से लेकर 20, ठीक है। तो यहां पर यह हो जाएगा सर कि 10 से लेकर 20 अंक प्राप्त करने वाले ना हमारे पास 12 बच्चे उपस्थित थे, बिल्कुल यहां पर यह हो जाएगा 12। फिर सर 20 से लेकर 30 अंक प्राप्त करने वाले 24 बच्चे हैं। तो यहां पर चिपकाओ 20 से लेकर 30 अंक प्राप्त करने वाले हमारे पास 24 बच्चे, बिल्कुल हमने यहां पर 24 चिपका दिया। फिर सर यहां पर 30 से लेकर 40 अंक प्राप्त करने वाले ना हमारे पास 32 बच्चे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि सर 30 से लेकर 40 अंक प्राप्त करने वाले हमारे पास 32 बच्चे हैं, कितने? 32 बच्चे हो चुके। फिर सर हमें अगला दिया गया कि 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले हमारे पास 10 विद्यार्थी है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि सर 40 से लेकर 50 अंक प्राप्त करने वाले हमारे पास 10 विद्यार्थी हो चुके, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुके। फिर सर अगला दिया गया कि 50 से लेकर 60 अंक प्राप्त करने वाले 5 स्टूडेंट है। तो यहां पर लास्ट हम लिखेंगे कि सर 50 से लेकर 60 अंक प्राप्त करने वाले हमारे पास ना 5 विद्यार्थी, बिल्कुल यहां पर चिपका दो 5, ठीक है। चलो तो कॉलम नंबर वन और कॉलम नंबर टू को हमने अच्छे से फिल कर लिया है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आपका 40% काम हो चुका है। प्रश्न को बस लिखा है, अभी तक हमने सॉल्व करने तो स्टार्ट किया भी नहीं है और आपका 40% काम हो चुका। चलो सर तीसरे वाले कॉलम को क्यों बनाया? तो इसका रीजन यह है बच्चों की आपको यहां पर लिखना संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति। सर संचयी आवृत्ति को हम निकालते कैसे हैं? संचयी आवृत्ति को हम कैसे निकालते हैं? चलो मैं आपको निकालना इसको सिखाता हूं। देखो संचयी आवृत्ति, देखो बहुत इजी है, बहुत इजी। आ जाओ देख लो, इसी कलर से करूंगा। देखो
तो विद्यार्थियों को जो संख्या आपको दिख रही है ना, इसको एक बार यहां पर ऐसे करके लिख दो। देखो ये ऐसे सर मैंने यहां पर इसको लिख दिया कि एक को मैंने यहां पर छाप दिया संचयी आवृत्ति में, यानी कि पहले वाले के लिए संचयी आवृत्ति एक ही हो चुका। अगर यहां पर दो रहता तो दो लिखते, पांच रहता तो पांच लिखते, दस रहता तो दस हम यहां पर सर बिल्कुल यहां पर लिख देते। अब देखो यहां पर फिर सर दूसरे वाले के लिए हम संचयी आवृत्ति कैसे निकालेंगे। देखो तो यहां पर मिला हुआ एक और दूसरे वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, बारह। दोनों को हम जोड़ देंगे, एक और बारह को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा तेरह। तो दूसरे वाले संचयी आवृत्ति के लिए क्या हो चुका, तेरह हो चुका। बिल्कुल यहां तक की कहानी से हमें समझ में आ चुकी है। फिर सर तीसरे वाले के लिए संचयी आवृत्ति कैसे निकालेंगे, तो ये जो 13 मिला हुआ है ना उसको आप इस 24 के साथ जोड़ दोगे, अगले वाले विद्यार्थियों के साथ संख्या के साथ जोड़ दोगे तो आपको अगली वाली संचयी आवृत्ति पता चल जाएगी। तो दोनों को मैं जोड़ने वाला हूं, तो चार और तीन यहां पर सर ये हो जाएगा सात, और दो और एक सर यहां पर ये हो जाएगा तीन। बिल्कुल 37 हमें मिल चुका है। ठीक है, यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुकी है। अब देखो फिर सर अगला वाला में संचयी आवृत्ति निकालना, तो क्या करेंगे, ये जो 37 मिला हुआ ना इसके अगले वाले विद्यार्थियों की संख्या के साथ जोड़ देंगे, तो 32 और 37 को जोड़ देंगे तो बिल्कुल बच्चों यहां पर हमें मिलने वाला 69। क्या मिल चुका, 69 मिल चुका। फिर अगला हमें संचयी आवृत्ति निकालना है, बस एक ही क्वेश्चन के लिए मैं एकदम डीप बता रहा हूं, आगे मैं बिल्कुल इसको सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा। ठीक है, चलो फिर अगले वाले संचयी आवृत्ति निकालना सर, तो हम 69 को ना 10 से जोड़ देंगे, 69 को मैं 10 से जोड़ूंगा तो हमें मिलेगा 79। बिल्कुल सर हमें यहां पर 79 मिल चुका है। अब क्या करेंगे, फिर लास्ट वाले में संचयी आवृत्ति निकालना है, तो 79 को आप जोड़ दो यहां पर विद्यार्थियों की संख्या जो कि पांच बचा हुआ उसके साथ, तो आपको मिल जाएगा 84। 84 मिल चुका। बोलो यहां तक की कहानी समझ आ गई, बिल्कुल सर अच्छे से समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब ये आपको एरो का निशान वगैरह कुछ भी नहीं बनाना, बिल्कुल कुछ भी नहीं बनाना, आपके दिमाग से इसको कर देना काट फिर जो भी है, प्लस माइनस यहां पर दिमाग से ही कर देना। बिल्कुल यहां पर मैं इसको अच्छे से मिटा दिया। अब बात देखो सर, हम यहां पर विद्यार्थियों की संख्या, टोटल विद्यार्थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने का, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्ञात करने का कि सर टोटल विद्यार्थी कितने थे, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या बच्चों अगर हम निकालेंगे तो देखो मैं यहां पर इसको कैसे निकालने जा रहा हूं। चलो विद्यार्थियों की संख्या को हमने मान लिया एफ, क्या मान लिया एफ मान लिया, तो सिग्मा एफ बराबर, तो बच्चों सिग्मा एफ बराबर कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है, देखो सबको जोड़ना है, तो बच्चों आपको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो संचयी आवृत्ति मिला ना उसके अंतिम वाले पद को देख लो, जो 84 मिला हुआ 84 मिला हुआ है, तो स्टूडेंट की संख्या ना यहां पर 84 होने वाली है। आप चाहो तो इसको जोड़ कर दे सकते हो, विद्यार्थियों की संख्या और संचयी आवृत्ति में जो संख्या प्राप्त हुई है वो दोनों सेम होने चाहिए। तो बिल्कुल अभी तक आपने जो काम किया है वो एकदम सत्य, ये मानकर चलना है। बिल्कुल इसको जोड़ोगे तो 84 आने वाला है। बिल्कुल आपका 80% काम हो चुका है, 20% कैलकुलेशन करना है। 20% क्या करना है, कैलकुलेशन करना। सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो मुद्दा ये है कि सर हम यहां पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं। देखो अब देखो यहां पर सर हमें 84 मिला हुआ है, यहां पर हमारे सूत्र में क्या था, सूत्र की अगर बात करूं तो क्या सर यहां पर, चलो एक बार मैंने अपने सूत्र को यहां पर और लिख देता हूं कि माध्यिका निकालने का सर हमारा फॉर्मूला क्या होता है। अतः माध्यिका, देखो यहां पर मैं आपको एक बार और लिखकर बता देता हूं, आ जाओ देखो। अतः माध्यिका, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करेंगे, आराम आराम से चीजों को समझेंगे, मजा लेंगे इस क्लास का। अतः माध्यिका एमडी बराबर, एमडी बराबर बच्चों फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है एल प्लस, फिर बड़ा सम लगाते हैं पर ब्रैकेट, बड़ा सा सर ब्रैकेट लगाया, फिर लिखते हैं एन बाय टू माइनस सी और अपॉन में रहता है एफ, फिर हम यहां पर लगाते हैं ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, फिर हम यहां पर गुणा के चिन्ह के साथ एच दर्शा देते हैं, एच बने लिख दिया। सर यहां पर हमें इतने सारों का मान ज्ञात करने, कैसे मान ज्ञात करेंगे, देखो देखो यहां पर सबसे पहले मैं n बाय टू ज्ञात करने वाला हूं, n बाय टू, तो बच्चों n का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने वहां पर संख्या में स्टूडेंट थे, तो हमें पता है कि सर 84 से, ठीक है कितने थे 84 थे, तो हमें यहां पर क्या निकालना है, n बाय टू निकालना है, n बाय टू निकालना है। तो सर अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो तो यहां पर लिखो यहां एन बाय टू, एन बाय टू हमें क्या मिला हुआ है 84, टोटल स्टूडेंट कितने थे 84 थे, इसको दो से भाग देंगे, इसको दो से भाग देने वाले तो क्या मिल चुका बच्चों 42 मिल चुका। क्या मिल चुका सर 42 मिल चुका। यहां तक की कहानी तो अच्छे से समझ में आ चुकी, सर हमने n बाय टू निकाल लिया 42 मिल चुका। सर इस n बाय टू का अब क्या करेंगे, देखो
एन बाई टू को, यानी कि जो 42 आया है उसके मान को एकदम फोकस करो, 42 को एकदम ध्यान से देखो, और ये संचयी आवृत्ति में आपको कहां पर दिख रहा है। तो आप कहोगे सर कि 42 जो है वो संचयी आवृत्ति में ना कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये देखना है कि वो किन दो अंतराल के बीच में, किन दो संचयी आवृत्ति के बीच में दिख रहा है। तो आप देखेंगे बच्चों कि जो 42 है ना वो 37 और 69 के बीच में आने वाला है। कहां पर आने वाला है सर? 37 और 69 के बीच में 42 आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले संचयी आवृत्ति को फोकस करेंगे, ये 69 को मैं फोकस करने वाला। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर कर, बिल्कुल समझ में आ गए, ठीक है। चलो सर अब इस 69 का हम करेंगे क्या, देखो तो यहां पर मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो तो यहां पर लिखेंगे चूंकि 42 संचयी आवृत्ति ठीक है, चूंकि 42 संचयी आवृत्ति 69 के अंतर्गत आता है, ठीक है, अंतर्गत आता है इसलिए माध्यिका जो वर्ग है वो क्या होगा, तो 42 का जो माध्यिका वर्ग है वही आपका माध्यिका वर्ग होगा। 42 का जो वर्ग है वही आपका माध्यिका वर्ग होने वाला है। 42 कहां पर आया है सर? ये 69 पर आता है, तो 69 का माध्यिका वर्ग क्या है? 30 से 40। तो बिल्कुल आपका जो माध्यिका वर्ग होगा ना वो 30 से 40 है, 30 से 40 होने वाला है। बिल्कुल बच्चों यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या? बिल्कुल सर अच्छे से इसको समझ गया हमें, जो मिल चुका माध्यिका वर्ग है वो 30 से 40 है। सर अब इसका हम करेंगे क्या, देखो आ जाओ तो हमें अपने सूत्र में क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है सर? यहां पर L की जरूरत पड़ने वाली है, और L को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा, लोअर लिमिट बोलते हैं। सर लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे? देखो माध्यिका वर्ग जो आया था उसमें लोअर लिमिट कौन सी है? 30 और 40 दोनों में कंपेयर करेंगे तो छोटी संख्या कौन सी है सर? 30 है। कौन सी है? 30 है। तो यही आपका लोअर लिमिट का नाम हो जाएगा। तो यहां करके लिखेंगे हम लोग, यहां सर यहां L बराबर ना हमें मिल चुका है 30, बिल्कुल 30 मिल चुका है। अब देखो और क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, हमने n by 2 का तो मान निकाल लिया, n by 2 सर 42 आया हुआ है, और क्या मान निकालना है सर? हमें c का भी मान निकालना है। सर c का मान कैसे निकालेंगे? देखो तो हमें जो यहां पर संचयी आवृत्ति प्राप्त हुई थी 69, संचयी आवृत्ति क्या प्राप्त हुई थी? 69 प्राप्त हुई थी, यानी कि माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले संचयी आवृत्ति को हम कहते हैं सी। मैं बोल रहा हूं कि माध्यिका वर्ग हमारा कौन सा है? ये सर 30 से 40 है, इसके ठीक वाले, ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति, तो इसके ठीक पहले वाला है, ये देखो ये क्या आ जाएगा 37 आने वाला है। 30 से 40 अगर पहले वाली बात करें तो 20 से 30 है, तो 20 से 30 के अगर मैं संचयी आवृत्ति की बात करूं तो सर यहां पर 37 है। क्या है? 37 है। तो यही सी का मान होने वाला है, तो सी बराबर सर यहां पर हमें मिल चुका है 37, बिल्कुल। फिर सर हमें F का मान भी निकालना है, तो आपको जो संचयी आवृत्ति मिला हुआ है 69, उसके उसके इधर को देखो, बारंबारता को देखो। मैंने कहा था कि विद्यार्थियों की जो संख्या है वो आपका बारंबारता भी कहलाता है, तो आपको जो संचयी आवृत्ति मिला हुआ है 69, उसका बारंबारता क्या है सर? 32 है। यही आपका F का मान होने वाला, बिल्कुल। मैंने F की जगह लिख दिया 32 लिख दिया, 32 लिख दिया। बोलो यहां तक की कहानी सर समझ में आ चुके हैं। सर यहां पर H कैसे निकालेंगे? तो H होता है वर्गमाप। क्या होता है? वर्गमाप होता है। आप अपने माध्यिका वर्ग को देखो, दोनों में कितने का अंतराल है सर? दोनों में ना 10 का अंतराल है, दोनों में 10 का अंतराल है, तो एस का जो मान है वो 10 है। एस का मान क्या है बच्चों? 10 होने वाला है। बिल्कुल सर हम यहां तक की कहानी को अच्छे से समझ लिया, ठीक है। चलो चलो अब हमारा फॉर्मूला लिखा चुका है, अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो माध्यिका MD बराबर, देखो सर L का मान हमने निकाला हुआ था 30, बिल्कुल चिपकाओ 30 धन। अब यहां पर क्या हो जाएगा? n बाय टू का मान तो हमने यहां पर पिछले ही स्लाइड में निकाल लिया था सर। n बाय टू का जो मान आया था ना वो 42 है, बिल्कुल चिपकाओ यहां पर 42। माइनस c का मान क्या था? 37, बिल्कुल यहां पर आ जाएगा 37। बटा F, सर F का मान तो 32 है, बिल्कुल चिपकाओ 32। फिर गुणे में क्या आ जाएगा? देखो h का मान क्या है? 10, बिल्कुल यहां पर 10 निकाल लेते। चलो तो माध्यिका MD बराबर, चलो सर 30 को हमने लिखा धन किया। अब देखो यहां पर 42 में हम 37 को घटाएंगे तो सर मिलेगा 5, बिल्कुल 5 मिल चुका, नीचे में आ जाएगा 32, और गुणा का अभी भी 10 बचा हुआ है, तो 10 का गुणा करेंगे 5 के साथ, तो सर अगली लाइन में क्या लिखा जाएगा? MD बराबर, माध्यिका MD बराबर 5 का गुणा मैंने किया 10 से, तो 10 पंचे हो जाएगा 50, बटे में आ जाएगा 32। बिल्कुल सर हमें यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो MD बराबर, देखो
तीस धन। अब यहाँ पर मैं आपको ये उम्मीद मानकर चलूंगा कि आपको इतना तो काम आता होगा कि सर आप 50 को 32 से भाग दे सकते हो। तो बच्चों 50 को अगर मैं 32 से भाग दूंगा ना तो मुझे 1.56 मिलने वाला, कितना मिलने वाला है 1.56 मिलने वाला। चाहो तो आप भाग देकर बिल्कुल रफ मर देख सकते हो, ठीक है, रफ में इसको भाग देकर देख लेना। तो सर हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, तो MD माध्यिका बराबर देखो 30 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31.56। ये सर हमारा होने वाला उत्तर, क्या होने वाला है, उत्तर होने वाला है। अतः माध्यिका बराबर हमें क्या मिल चुका है कि सर यहां पर मिला 31.56, ठीक है। ये देखो, चलो इसको मैं यहां पर बॉक्स में पैक कर देता हूं। पहले क्वेश्चन को मैंने एकदम डीप में बता दिया है, अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन करूंगा ना वो आपका प्रैक्टिस रहेगा, उसको हम स्पीड से करने वाले हैं। अतः माध्यिका बिल्कुल लास्ट लाइन में अपने आंसर को लिखोगे, अतः माध्यिका MD बराबर 31.56 है, ये होने वाला हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। माध्यिका निकालना सर हमने अच्छे से सीख लिया। चलो कोई भी अगर डाउट रहा होगा इसको हम एक और क्वेश्चन लेकर सॉल्व करके देख लेते हैं। कोई भी डाउट बिल्कुल आपके मन में नहीं होने चाहिए, कमेंट कर पूछ लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, बिल्कुल ये थोड़ा सा लंबा बना हुआ है, मानता हूं कि थोड़ा सा लंबा बना हुआ है, लेकिन आपको लेना 4 में से 4 अंक, तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। चलो अब ये आ चुका आपका अगला क्वेश्चन जो कि हमें पूछा गया है, क्या कब पूछा गया है, 2018 सेट ABC तीनों सेट में पूछा गया था। बिल्कुल सर एक बार क्वेश्चन को पढ़ने के क्या दिया क्या निकाला, बिल्कुल पढ़ना था, अच्छी बात है तो पढ़ना। सर बोला गया कि निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात करना है, जहां पर आपको वर्गांतर दिया और आवृत्ति दिया गया, दो आपको यहां पर पंक्ति दिख रहा होगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन में हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, अब इसको स्पीड सॉल्व करते आ जाओ। बिल्कुल साइड में लिखो हल, अपने कॉपी के पेज में साइड में लिखो क्या हल, बिल्कुल हमने सर यहां पर लिख दिया हल। हल लिखने के बाद बैठे क्यों हो फटाफट बनाओ टेबल, क्या बनाओगे टेबल। ये सर हमने बना दिया बड़ा सा बॉक्स बना दिया। फिर से बॉक्स बनाने के बाद हम यहां पर 3 कॉलम भी बनाते हैं, बिल्कुल 3 कॉलम बनाओ आ जाओ। सर ये पहला कॉलम हो चुका क्या, बिल्कुल ये आपका पहला कॉलम हो चुका, ठीक है। 2 कॉलम हम यहां पर और बनाने वाले हैं, सर हमने 3 कॉलम अच्छे से खींच लिया, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, ऊपर की ओर एक लाइन बनाते हैं, बिल्कुल बना दो ऊपर की ओर, सर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया अच्छे से कर लिया। चलो नीचे भी एक लाइन बनाने वाले हैं, सर नीचे भी एक लाइन हमने अच्छे से खींच लिया। चलो ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी बना लिया होगा, ये मैं मानकर चलने वाला हूं। सर पहले और दूसरे कॉलम में क्या भरेंगे, तो क्वेश्चन में जो दिया गया है आपको, जो दिया गया है उसी को छापना है, पहले वाले पंक्ति को ही छापना है। तो सर पहले वाले पंक्ति हमें दिया गया वर्गांतर, क्या दिया है वर्गांतर, तो यहां पर क्या आ जाएगा वर्गांतर, वर्ग में अंतर, बिल्कुल वर्गांतर हमें दिया गया है, ठीक है। चलो सर दूसरे वाले कॉलम में हम भरते हैं दूसरे वाले पंक्ति को, जो कि दिया गया आवृत्ति, क्या दिया है आवृत्ति दिया गया, इसी को हम बारंबारता या फिर आवृत्ति भी कहते हैं। सर आवृत्ति को हमने अच्छे से यहां पर चिपका दिया। अब देखो आगे की कहानी, तो पहले हम दोनों कॉलम को फिल कर लेते हैं। देखो कैसे फिल करेंगे, तो सर शून्य से लेकर दस 4 है, तो यहां पर लिखा जाएगा कि सर शून्य से लेकर 10 कितने हैं 4 है, बिल्कुल 4 चिपका दो। फिर सर 10 से लेकर 20 यहां पर कितने दिए गए हैं, सर यहां पर दिया गया था 6, बिल्कुल 6 चिपका दो। फिर सर 20 से लेकर 30 तक में कितना दिया गया है, तो यहां पर आपको दिख रहा है 10, कितना दिया गया है सर 10 दिया गया। फिर सर अगला दिया गया है कि 30 से लेकर 40 बिल्कुल यहां पर चिपकाओ सर कि 30 से लेकर 40 हमें दिया गया है। सर 7 दिया गया, बिल्कुल यहां पर आ जाएगा आवृत्ति में 7 कि 30 से लेकर 40 जो है वो कितने बार रिपीट हुआ है बच्चों, 7 बार रिपीट हुआ, बिल्कुल। चलो फिर सर अगला दिया गया 40 से 50 हमें दिया गया 3 बार, तो 40 से 50 जो है वो कितने बार रिपीट हुआ है, सर ये हुआ 3 बार रिपीट हुआ है, बिल्कुल हमने यहां तक की कहानी को अच्छे से समझ लिया। फिर सर अगला दिया गया कि 50 से लेकर 60 बिल्कुल 50 से लेकर 60 कितना दिया गया, सर 2 दिया गया, बिल्कुल टाइम वेस्ट करेंगे। तीसरे वाले कॉलम में हम निकालते हैं संचयी आवृत्ति, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इतने ही क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ कर जाना पड़ेगा। 10 स्टार ठोक कर रखें इसको, 10 स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाओ। सर संचयी आवृत्ति निकाला तो आपने सिखा लिया है, पहले क्या करेंगे, पहले वाले संचयी आवृत्ति के लिए आवृत्ति को उतार देंगे, सर मैंने इसको आगे की ओर बढ़ाया और यहां पर लिख दिया 4। फिर अगले वाले संचयी आवृत्ति के लिए क्या करेंगे, इस 4 को जोड़ेंगे यहां पर दूसरे वाले आवृत्ति के साथ, तो 6 और 4 सर यहां पर दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 10, बिल्कुल 10 मिल चुका। अब देखो फिर सर 10 और 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट करने जा रहा हूं। फिर सर निकालेंगे 20 और 7 को जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 27। फिर सर 27 और 3 को जोड़ेंगे तो सर यहां पर हमें मिल जाएगा 27 और 3 20 सॉरी 30 मिल चुका। फिर सर
लास्ट और संचयी आवृत्ति कैसे निकालेंगे? सर इसे 30 को ना आप 2 से जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 32, बिल्कुल ही आपका हो चुका संचयी आवृत्ति। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर हम निकालते हैं। चलो आवृत्ति को मैंने एफ से प्रदर्शित कर लिया, अब हमें निकालना एफ एफ सॉरी सिग्मा एफ, सिग्मा एफ बराबर। अब यहां पर देखो आपको जोड़कर देख लेना है, जोड़कर देखना है और अंतिम वाला संचयी आवृत्ति प्राप्त होना चाहिए। बिल्कुल, अब अगर आप इन सभी को जोड़ोगे, चलो एक बार मैं आपको जोड़कर बता भी देता हूं। देखो सर 4 और 6 हुआ 10, 10 और 10 ये हो चुका 20, 20 और 7, 20 और 7 हो चुका यहां पर 27, 27 और 3 ये हो जाएगा 30, 30 और 2 32, यहां पर क्या मिला हुआ 32 मिला हुआ, और यहां पर क्या आया 32 आया हुआ है। यानी कि अभी तक हमने जो काम किया है वो पूरा का पूरा सही है, पूरा का पूरा सही है। फिर हम क्या करेंगे, अपने माध्यिका वाले फॉर्मूले को एक बार लिख लेंगे। ठीक है, आ जाओ, अतः एक बार हम क्या करेंगे, अपने माध्यिका वाले फॉर्मूला को लिखना चाहते हैं। अतः माध्यिका, ठीक है, अतः माध्यिका, बिल्कुल देख लो, अतः माध्यिका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अब भी मैंने आपको बताया था, अतः माध्यिका बराबर, अतः माध्यिका एमडी बराबर, देखो एमडी बराबर, देखो चलो बोलो सर ये होता है एल प्लस, फिर हम बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, अंदर में लिखते हैं एन बाय टू माइनस का एफ डिवाइड में आता है, अरे सॉरी माइनस का सी आता है ना, माइनस का सी आता है, फिर डिवाइड में आता है एफ, फिर यहां पर ब्रैकेट को क्लोज किया और इनटू में लगता सर ये एच लगता है। बिल्कुल, हमें इतने सारे मानों की जरूरत पड़ने वाली है। अब इसको हम निकालते कैसे हैं, तो सिग्मा जो एफ आया हुआ है, सिग्मा जो एफ आया हुआ है उसका हम क्या करेंगे, यहां पहले हम निकालेंगे एन बाय टू, क्या निकालेंगे एन बाय टू निकालने वाला है, एन बाय टू निकालने वाला है। तो पूरे आवृत्ति को जोड़ा तो हमने मिला हुआ 32, अब 32 को अगर मैंने 2 से भाग दे दिया तो सर मुझे मिल चुका है 16, यानी कि एन बाय टू का मान हमें मिल चुका है 16, 16 सर हमें यहां पर प्राप्त हो चुके। अब क्या करेंगे, देखो अब 16 को देखो और संचयी आवृत्ति में देखो कि 16 कहां पर आया है, तो आप लोग देखोगे कि 16 है जो सर वो संचयी आवृत्ति में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो किसके बीच में दिख रहा है, तो आप लोग कहोगे सर कि 16 जो है वो 10 और 20 के बीच में दिख रहा है। आपको छोटी वाले को छोड़ देना है, बड़ी वाली संचयी आवृत्ति को काम पर लेना है, यानी कि हम देखने वाले हैं किसको, 20 को देखने वाले हैं, किसको 20 को देखने वाले हैं। तो इसको अब हम लिखेंगे कैसे, देखो चूंकि 16 संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति, ठीक है आवृत्ति, बिल्कुल संचयी आवृत्ति 20 के अंतर्गत आता है, 20 के अंतर्गत आता है, आता है, अतः इसलिए, इसलिए करके लिख लो, अतः या फिर इसलिए माध्यिका वर्ग, इसलिए माध्यिका जो वर्ग है वो आपका क्या होने वाला है, तो 20 को देखो, तो 20 के सामने देखोगे तो आपको दिखेगा माध्यिका वर्ग 20 और 30, क्या है 20 और 30, तो यहां पर माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा 20 30 है, 20 30 है, बिल्कुल ये हमारा माध्यिका वर्ग सर आ चुका है। बिल्कुल हमने यहां तक की कहानी को समझ लिया, आपका 80% काम हो चुका, 20% कैलकुलेशन करना बाकी रह चुका। चलो तो सर यहां पर हमें L की जरूरत भी पड़ती है, अब L का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहां करके फिर से लिखो, यहां यहां L बराबर, L क्या है आपका लोअर लिमिट है, यानी कि हमें चलना है अपने देखना माध्यिका वर्ग को, दोनों में लोअर वैल्यू कौन सी है, तो 20 और 30 दोनों में छोटी संख्या कौन सी सर 20, यही हमारा लोअर लिमिट, L का मान हो चुका 20 हो चुका। फिर अगला आता है एन बाय टू, एन बाय टू का मान हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 16, निकालने की जरूरत नहीं बार बार। फिर यहां पर हमें निकालना सी, सर सी कैसे निकालते हैं, चलो एक बार और सीख लेते हैं, तो सी कैसे निकालते हैं, तो देखो माध्यिका वर्ग जो आया हुआ 20 30, इसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति को हम कहते हैं, क्या कहते हैं सी कहते हैं। तो ये हमारा माध्यिका वर्ग 20 30, इसके ठीक पहले वाले वर्ग देखो यहां पर क्या है 20 10, अब इसके संचयी आवृत्ति को देखेंगे तो आपको मिलेगा 10, यही हमारा सर सी का मान हो चुका, सी का मान क्या हो चुका 10 हो चुका। चाहो तो आप यहां पर लिख सकते हो, ऐसा लिखना नहीं है, ऐसा लिखना नहीं है, मैंने फिर भी यहां पर लिख दिया, ये सर हमारा हुआ सी का मान। सर इसके नीचे वाला जो होता है ना वो हमारा एफ का मान होता है, यानी कि माध्यिका वर्ग का संचयी आवृत्ति, जो माध्यिका वर्ग आपको मिला है उसका संचयी आवृत्ति ही आपका क्या होता है एफ का मान होता है। बिल्कुल, तो यहां पर हम चिपकाएंगे एफ की जगह 20, एफ की जगह सर हमें मिल चुका 20। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखो अब यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर, अरे अच्छा हमने गलती कर दिया कि सर यहां पर ये 20 थोड़ी होता है, यहां पर हम देखते हैं आवृत्ति को देखते हैं, ये होता है आपका, ये होता है f बराबर 10, हमें संचयी आवृत्ति को नहीं ध्यान में देना है, जब हम निकाल रहे होंगे यहां पर
किसको निकाल रहे होंगे, एफ को निकाल रहे होंगे। तो इसको कैसे देखते हैं कि आपको देखना माध्यिका वर्ग के आवृत्ति को देखना जो कि क्या है 10 है, यही हमारा एफ का मान होता है। बिल्कुल एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलना। चलो सर हमने एफ को निकाल लिया, अब बच चुका है एच। सर एच का मान कैसे निकालते हैं, तो ये होता है वर्गमाप। तो हमारा माध्यिका वर्ग था 20 और 30, दोनों में अंतराल कितने का है सर, ये है 10 का। बिल्कुल तो एच का मान हो चुका 10। हमने माध्यिका का फॉर्मूला ऑलरेडी लगा कर रखा हुआ है, वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो एम डी बराबर देखो सर एल का मान तो 20 है, बिल्कुल चिपका 20 धन। अब देखो n/2 का मान हमने निकाला हुआ था 16, माइनस करेंगे सी का मान कहां गया भैया, ये है 10, बटे में क्या आएगा एफ। एफ का मान बच्चों हमने निकाला हुआ है 20, अरे 20 लिख दिया क्या यहां पर, फिर से गलती कर दिया। एफ का मान तो 10 था ना, एफ का मान तो 10 था ना, तो यहां पर एफ का मान तो 10 लिखो भैया, बिल्कुल गलती नहीं करना। एफ का मान क्या 10 है, एफ का मान 10 होने वाला है, 10 आ चुका ठीक है। अब देखो तो यहां पर भी हमें थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है, क्या हो जाएगा एफ का मान, एफ का मान ना सर यहां पर 10 होने वाला है। तो यहां पर हमने एफ का मान रख दिया सर, बिल्कुल 10 रख दिया ठीक है। अब गुणा में क्या था एच का मान, तो सर एच का मान हमने तो 10 निकाला हुआ, बिल्कुल चुपका 10 सर, 10 से 10 निपटा देंगे क्या, बिल्कुल निपटा दो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अतः माध्यिका एम डी बराबर, माध्यिका एम डी बराबर 20 है। फिर प्लस में क्या लिखा है देखो, जब 16 में हम 10 को घटाएंगे, 16 में 10 घटाएंगे सर हमें मिल जाएगा 6, बिल्कुल। तो माध्यिका एम डी बराबर माध्यिका, यहां पर हम फाइनल आंसर अपना लिखना चाह रहे हैं, माध्यिका एम डी बराबर 20 और 6 को जोड़ देंगे बच्चों तो हमें मिल जाएगा 26। ये होने वाला हमारा फाइनल आंसर, ये हो चुका हमारा फाइनल आंसर। यहां पर हमने 4 में से 4 अंक हमें मिलने वाला है। तो बच्चों आज की इस क्लास में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन को करा दिया जो कि माध्यिका से संबंधित होने वाला है। माध्यिका के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है जब टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए, इसके बारे में आज की इस क्लास में हमने चर्चा कर लिया है। इसका एक और पार्ट आने वाला है जहां पर मैं आपको बहुलक निकालना सिखाने वाला हूं, और इस तरह से हमारा पूरा 16 का 16 अध्याय खत्म हो जाएगा। हम पूरे 100 नंबर की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। एक इसका लास्ट वीडियो रह चुका है, इसको हम नेक्स्ट क्लास पर डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों तक शेयर करेंगे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।